हेलो फ्रेंड्स, अभी भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। यूपी बोर्ड परीक्षा में आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। जिन छात्रों का गलत आधार नंबर अपडेट हो गया है, जिन छात्रों ने गलत आधार नंबर दे दिया है या जिन छात्रों ने अभी तक आधार नंबर ही नहीं दिया है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी, वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं सारी बातें डिटेल्स में। यूपी बोर्ड ने प्रदेश के 26,000 से अधिक माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया है। मतलब जितने छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड से पढ़ रही हैं, सभी के लिए आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। जिन छात्र छात्राओं का आधार नंबर गलत अपलोड हो गया है या फिर उनसे लिया ही नहीं गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं वेबसाइट पर दर्ज कराने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो जिन छात्रों ने गलत आधार नंबर दे दिया है या फिर गलत नंबर उन्होंने दिया ही नहीं अभी तक आधार कार्ड, तो अपने स्कूल में जाकर आधार नंबर अपना दे दे। आगे है, इसी के साथ शैक्षणिक विवरणों में नाम, विषय व अन्य त्रुटि की ऑनलाइन संशोधित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अगर आपका नाम, पता या फिर विषय में कोई भी गड़बड़ी है तो आप अभी जाकर ऑनलाइन ये सब ठीक करा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक व जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा है कि वे सभी छात्र छात्राओं के विवरण से आधार से अनिवार्य रूप से लिंक कराएं। आधार एकदम अनिवार्य लिंक कराना है, ठीक है। इस संबंध में शासन के सख्त निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं के नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकेगा, सिर्फ स्पेलिंग की त्रुटि ही सुधार जाएगी। इसका मतलब हो गया, अगर आपका पूरा नाम जैसे रितु के जगह नीतू है तो ये पूरा नाम नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगर एकाक अक्षर गड़बड़ी है तो ठीक हो जाएगा। वही गत वर्षों में अनुत्तीर्ण रहे या अग्रिम पंजीकरण कराए हुए छात्र छात्राएं जिनके शैक्षिक विवरण जैसे परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख का डाटा परिषद के रिकॉर्ड से होकर अपडेट हुआ है, उन परीक्षार्थियों के इन चारों विवरण में कोई संशोधन नहीं हो किया जा सकता है। DIO जिले के मान्यता प्राप्त कॉलेजों को पत्र या फिर विज्ञप्ति से सूचित कर दे विवरण में संशोधन व आधार नंबर दिया जाना जरूरी है। तो जिन छात्रों का भी आधार नंबर नहीं दिया या जिन छात्रों ने गलत आधार नंबर दे दिया है, वो अपने स्कूल में जाकर आधार कार्ड नंबर दे दे तो ये सब चीजें जाकर सही करा ले, क्योंकि ये सब चीजें अगर गलत रहेंगी तो फिर बाद में आपको सही कराने में काफी दिक्कत होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में चाहते हो यूपी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।